ब्लॉक कांग्रेस हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश में हुए पीपीई किट के घोटाले को लेकर डीएम हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश पटियाल ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पीपीई किट घोटाला कर प्रदेश का नाम पूरे देश में खराब किया है। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं को घटिया किस्म के उपकरण खरीद कर बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित दोषियों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। ब्लॉक कांग्रेस ने मांग उठाई है कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सीएम जयराम ठाकुर के पास है, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दें। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश पटियाल ने कहा कि कांग्रेस ब्लॉक ने राज्यपाल से पीपीई किट के घोटाले की जांच हाई कोर्ट के जज से करवाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सीएम जयराम ठाकुर के पास है, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दें। हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट घोटाला व अन्य उपकरणों से संबंधित खरीद का घोटाला हुआ है, उसकी जाँच हम किसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा करवाना चाहते हैं और हमारी मांग है कि जो इसकी जांच है वो किसी वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अधीन की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और लोगों को वास्तविकता का और सच्चाई का भी पता चल सके।